आज तो आ गए हैं आज के इस लेक्चर में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल साइंस माल पर। तो चलिए आज हमको जानना है धातु एवं अधातु क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक तो नहीं, थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला नंबर जानते हैं धातु क्या होता है। तो दोस्तों धातु होता है जो चमकीला होता है। धातु उसे कहते हैं जो चमकीला होता है तथा पिटने पर फैलता हो, तथा क्या हो, पिटने पर फैलता हो और एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता हो। कहने का मतलब है एक सिरा गर्म किया और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता हो, तो वैसे पदार्थ को हम धातु बोलते हैं। या तन्य हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, उसे कहते हैं हम धातु। फिर से दोहरा देते हैं, धातु चमकीला होता है, धातु पिटने पर फैलता है, धातु के एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है और ये तन्य होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, देखिए चमकीला कहने का मतलब समझ रहे हैं, चमकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, पीटने पर फैलता है। जैसे आप जानते हैं लोहा, लोहा जानते होंगे, तो लोहा वगैरह के पीटते हैं तो वो फैलता है। क्या लकड़ी पीटते हैं तो फैलता है? नहीं। तो जब लोहा फैलता है तो वो हो गया आपको धातु। ठीक है, और एक सिरा गर्म करने पर, जैसे एक लोहा है, लोहा के एक सिरा को गर्म करिए चूल्हा वगैरह कोई चीज़ में, तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, यानी कि दूसरा भाग जो है ना वो भी गर्म हो जाता है, तो वो हो गया आपको धातु। और तन्य कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कोई अथी समझ रहे हैं, तार, तार यानी जिसको हम पीट पीट के तार नहीं बना सकते हैं, उसको तन्य बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा प्रवाहित हो, विद्युत धारा समझने कहने का मतलब हो कि लाइन पार होकर और बल्ब जल सके, ठीक है, उसको बोलते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो। धातु समझ गए होंगे, तो वही है, अधातु में कुछ नहीं है। धातु चमकीला होता है तो अधातु चमकीला नहीं होता है, समझे। और धातु पिटने पर नहीं फैलता है और उसका एक सिरा गर्म करिए दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है और ये तन्य नहीं होता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, समझे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजबल लगा होगा। तो चलिए वीडियो समाप्त हुआ।